भी कर सकते हैं। ऐसे गाल ऐसे लटके हुए भी होते हैं ना, तो ऊपर ऐसे इस तरह से खींचते हैं गाल। हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लोटस का गोल्ड फेशियल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी फेशियल करने से पहले हमें सबसे पहले अपने चेहरे को साफ करना होता है। तो पार्लर में जो भी क्लाइंट आए, अगर आप फेशियल स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके चेहरे को आप क्लेंजिंग मिल्क से साफ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्यूटी बार बाई नाव्या का क्लेंजिंग मिल्क लिया है, जिसके बारे में जिसका वीडियो मैं एक बार पहले बना चुकी हूँ, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगी। आप कोई भी क्लेंजिंग मिल्क से चेहरे को साफ कर सकते हैं। यहाँ हमें क्लेंजिंग मिल्क 1 से 2 मिनट तक चेहरे पर इस तरह से मसाज करना है, जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ, पूरे फेस की गंदगी इससे निकल जाती है और चेहरा जो है फेशियल के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है लोटस का गोल्ड फेशियल किट। इस किट की खासियत ये है कि ये बहुत ही अच्छा किट है और लगभग ऑल स्किन टाइप पे जाता है। अब यहाँ पे स्किन इनकी 40 प्लस की है, तो यहाँ पे मैं इससे फेशियल करूँगी ना, तो ये एंटी एजिंग फेशियल भी है। MRP 285 है, तो आप इसको ऑफर में खरीद सकते हैं। इसमें 4 पाउचेस पाए जाते हैं। तो पहला पाउचेज जो है वो क्लेंजिंग स्क्रब का है, यहाँ पे देखिए नंबर 1 दिया हुआ है और ये क्लेंजिंग स्क्रब है, यानी कि क्लेंजिंग करने के बाद, फेस को साफ करने के बाद हम स्क्रब यूज़ करेंगे। दूसरा जो है वो एक्टिवेटर है, ये जेल बोल सकते हैं आप इसको, तो दूसरा हम जेल यूज़ करेंगे। तीसरा है क्रीम की मसाज और चौथा मास्क है। तो चलिए इन चारों को हम इनके फेस पे अप्लाई करते हैं। इनकी बहुत ही ड्राई स्किन है, एज स्किन है, तो आप ये फेशियल जो है ना सभी के ऊपर दे सकते हैं। कम एज वालों पे भी ये फेशियल अच्छा जाता है और जो 35 प्लस है उस पर भी ये फेशियल एंटी एजिंग फेशियल का काम करता है। इसका ग्लो जो है बहुत ही अच्छा है और आप इसको अच्छी तरह से करके देंगे ना, स्मूथ हाथों से करेंगे तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी दिनों तक जाता है, यानी कि एक बार फेशियल बंदा करा ले तो महीना भर पूरी स्किन उनकी मेंटेन रहती है। तो यहाँ पे मैं स्क्रब कर रही हूँ। स्क्रब कैसे करना है, आप स्क्रब को ले लें और पूरे फेस पे राउंड राउंड करके एब्जॉर्ब करवाते रहें स्क्रब को। स्क्रब करने से डेड स्किन निकलती है और डेड स्किन निकलने के बाद जो है हमारे स्किन प्रिपेयर हो जाती है मसाज के लिए। तो डेड स्किन हमारे ऊपर काफ़ी जमा हो जाते हैं धूल डस्ट गंदगी वगैरह से, तो डेड स्किन को फेशियल में सबसे पहले निकालना ज़रूरी होता है। तो स्क्रबिंग करने से हमारे स्किन के पोर्स भी खुल जाते हैं और डेड स्किन भी निकल जाती है, जिससे कि स्किन पे आ जाती है एक नई चमक। और एक बात का ध्यान जरूर रखें, आप चाहें तो स्क्रब के बाद स्टीम ले सकते हैं, नहीं तो गर्मी है तो आप कोल्ड कंप्रेशर ही लिया करें। यहाँ पे मैं कोल्ड कंप्रेशर ले रही हूँ और स्क्रब करने की टाइमिंग जो है वो कम से कम 3 से 4 मिनट रखें। ज़्यादा स्क्रब करने से स्किन जो है छिल जाती है, तो यहाँ पे ठंडे पानी से को रुमाल के द्वारा कोल्ड कंप्रेशर दे रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो मैं बता चुकी हूँ कि कोल्ड कंप्रेशर क्या होता है। ठंडे पानी में, बर्फ़ वाले पानी में रुमाल को भिगोइए और फेस पे रखिए, उससे भी आपके स्किन के पोर्स खुलते हैं। और उसके बाद फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ एक्टिवेटर, जो कि जेल फॉर्म में होता है, आप इसको जेल भी बोल सकते हैं। दूसरी कंपनी में ये जेल ही होता है, यहाँ पे इन्होंने एक्टिवेटर लिख रखा है। तो 4 जो पाउचेस होते हैं ना, एक फेशियल के लिए सफिशिएंट होता है। आप अगर चेहरा बड़ा है तो सारा ख़त्म कर सकते हैं आप, नहीं तो आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा ही ले लिया है और अब मैं करने वाली हूँ एक्टिवेटर से या जेल से मसाज। ये फेशियल मुझे काफ़ी पसंद है, मैं अपने क्लाइंट को देती हूँ तो काफ़ी खुश होकर जाते हैं। इसकी MRP है 285 रुपीज़, और अगर आप इसको ऑफ़र में फ्लिपकार्ट वगैरह से लेते हैं तो आपको ये 10% 20% या 30% डिस्काउंट पे मिल जाता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इस तरह से देखिए कि अब आप देखिए कि मैं मसाज कैसे कर रही हूँ। ये एक्टिवेटर है यानी जेल फॉर्म में है ये क्रीम, तो ये आपकी स्किन में अच्छी तरह से पेनिट्रेट करनी चाहिए। इसके लिए आप हाथों में थोड़ा सा रोज़ वाटर ले लें, आप मिल्क भी यूज़, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों का मौसम है तो आप कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और कोई फ्रूट का जूस भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपल रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से पूरे स्किन पे हल्की मसाज देनी है और ट्राई करना है कि स्किन पे क्रीम अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर जाए। बहुत अच्छी क्रीम है, जिससे कि वो स्किन पे पेनिट्रेट करती है तो स्किन यंग दिखती है, सपल दिखती है, यानी कि और हाइड्रेट दिखती है, यानी कि अगर स्किन में पानी की भी कमी है तो इस मसाज से
जब स्किन पे क्रीम एब्जॉर्ब होती है रोज़ वाटर के साथ ना, तो स्किन हाइड्रेट भी होती है। अब देखिए कितने स्मूथली मैं मसाज कर रही हूँ। चिन वगैरह पे, डबल चिन अगर है तो डबल चिन पे अच्छी तरह से मसाज दीजिए, कानों के पीछे भी मसाज दीजिए और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से पूरे स्किन पे मसाज देते चले जाइए। फेशियल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फेशियल अगर आप रेगुलर कराते हैं तो आप अपनी उम्र से कम 8 से 10 साल छोटे दिखते हैं, और आप अगर घर पर भी थोड़ा सा स्किन केयर करते हैं तो उससे भी आपकी उम्र काफ़ी कम लगती है। फेशियल रेगुलर कराने से फेस पर दाग, धब्बे, मुहासे ये सब कम आते हैं और रिंकल्स भी बहुत लेट आती है, यानी कि झुर्रियाँ भी एज के अकॉर्डिंग काफ़ी लेट आती है। तो फेशियल करने के बहुत सारे फायदे हैं। फेशियल का तीसरा स्टेप है क्रीम की मसाज। तो चलिए करते हैं लोटस के गोल्ड क्रीम की मसाज। ये क्रीम भी काफ़ी अच्छी है और ये ड्राई स्किन पे बहुत ही अच्छा ये फेशियल जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्रीम को फेस पे इस तरह से लगा दिया है और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मसाज। तो होप कि वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर देना। लाइक करने के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि नोटिफिकेशन, नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहेगी। तो इस तरह से क्रीम को पूरे फेस पे इस तरह से फैला देना है और उसके बाद मसाज स्टार्ट करनी है। जैसे डबल चिन वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो निकल जाती है, और आप इस तरह से बहुत आराम आराम से मसाज करें। स्किन को ऊपर क्यों ले जाना है, अपलिफ्ट करना है, ऐसे करके यूं इस तरह से, इस तरह से इस वाले गाल को, फिर इस तरह से आप इस वाले गालों को मसाज करिए, फिर आपको इस तरह से घुमाना है और यहाँ पे प्रेशर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर अपलिफ्ट करना है आईब्रोज को, यहाँ पे आपके लाफिंग लाइंस पड़ते हैं तो उसको इस तरह से मसाज करते हुए निकाल लेना है। फिर यहाँ पे ऐसे प्रेशर लेना है यहाँ पे, फिर उंगलियों से ऐसे मसाज देनी है आपको। उसके बाद यहाँ पे ऐसे इस उंगली को यहाँ रखना, डबल चिन की प्रॉब्लम कम होगी, और इधर से नोज की मसाज करनी है आपको। फिर ये चिन इसको इस तरह से आराम से मसाज करना है, बहुत धीरे धीरे से चिन को इस तरह से आपको मसाज करते चले जाना है। हाथों का मूवमेंट जो है ना, फैदर टच होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है और बहुत कम प्रेशर भी नहीं देना है। और आपको एज के अकॉर्डिंग मसाज देनी है। अगर टीनेजर हैं या फिर बिलो 25 है तो 15 मिनट की मसाज, 30 प्लस हैं तो 20 मिनट की मसाज, और फिर उससे भी ज़्यादा उम्र हो रही है, स्किन बहुत ख़राब हो रही है तो 25 मिनट की आप मसाज दे सकते हो। यहाँ देखो मैं गालों को फिर से लिफ्ट कर रही हूँ। बीच बीच में आपको रोज़ वाटर लेते चले जाना है। अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप मिल्क भी ले सकते हैं इस तरह से। फिर ये वाली मुट्ठी बांधनी है और ऐसे मसाज करनी है। ये वाली मसाज करनी है, अपर लिप्स और चिन की एक साथ मसाज करनी है ऐसे। फिर यहाँ पे 8 बनाना है, इससे भी लाफिंग लाइन्स जो होते हैं वो कम होंगे। और रहना जो कर रहे हैं सो, इस तरह से आंखों को बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है ऐसे। ये भी बहुत कंफर्टेबल लगता है मसाज कराते समय। उसके बाद फिर इस तरह से आपको प्रेशर पॉइंट लेना है, ये वाली उंगली यहाँ रखनी है और इसको इस तरह से दबाना है। फिर यहाँ ये दोनों जगह पे दबानी है, ये वाली उंगली यहीं रखनी है, इस तरह से दबाना है।
सारे स्टेप आप 6-6 बार करोगे आपका फेशियल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये जो मेथड, ये जो तरीका है ना, ये क्रिस क्रॉस कर रहता है और आपको इस तरह से मसाज करते हुए पूरे फेस को मसाज करना है ऐसे। फिर आप गालों को पकड़ के इस तरह से आप लिफ्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये वाली करके यहाँ पे जो हड्डी होती है ना, उससे इस तरह से दबाना है। फिर दोनों फिंगर को जोड़ के ऐसे, गाल ऐसे लटके हुए भी होते हैं ना, तो ऊपर ऐसे इस तरह से खींचते हैं गाल। फिर कानों की मसाज ऐसे दबाना है कानों को। इस तरह से आपका पूरा मसाज कंप्लीट होना चाहिए 15-20 मिनट में। कॉलर बोन को यहाँ पे दबाना है ऐसे। यहाँ पे ये वाली उंगली, यहाँ पे वाली उंगली। उसके बाद सारी टॉक्सिक को यहाँ पे जमा करना है और इसको फिर कानों के पीछे से निकाल देना। ये हो गए फेशियल के स्टेप्स आपके। फेशियल कंप्लीट करने के बाद आप वाइब्रेटर चला सकती हैं, नहीं तो इस तरह से हाथों से, जिस तरह से मैं टैपिंग कर रही हूँ पूरे फेस पे, इस तरह से हाथों से ही वाइब्रेशन आप दे सकती हैं। और उसके बाद फिर क्रीम को पूरे स्किन पे बिल्कुल एब्जॉर्ब करवा देना है। क्रीम बहुत अच्छी है और स्किन में इसको पेनिट्रेट करवाना ज़रूरी है। स्किन में क्रीम अंदर तक जाएगी तो स्किन जो है सॉफ्ट बनेगी, रिंकल फ्री होएगी और हाइड्रेट होएगी। यानी कि स्किन में अगर पानी वानी की कमी है तो वो भी पूरी हो जाएगी और रिलैक्स तो स्किन होगी ही। तो इस तरह से फेशियल करने से ना बहुत ही अच्छी हो जाती है, स्किन पे बहुत ही अच्छा असर पड़ता है और स्किन काफ़ी ग्लोई रहती है, काफ़ी टाइम तक मेंटेन रहती है। उम्र बढ़ने के साथ भी आप बूढ़े नहीं दिखाई देते। तो इस तरह से फेशियल आपको बहुत टाइम अच्छे से ले करके और एकदम एक्सपर्ट हाथों से करवाना चाहिए, जिससे कि आपके स्किन मेंटेन रहे और आप दिखें ग्लोई, यंग और खूबसूरत। तो अब चलिए, अब बारी आती है मास्क की। तो मास्क यहाँ मैं हाथों से ही अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो क्रीम को कॉटन से थोड़ा सा रिमूव कर दें, नहीं तो फिर आप उसके ऊपर ही मास्क को इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मास्क को आराम से धीरे धीरे करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए और इसको 15-20 मिनट तक छोड़ दीजिए, जिससे कि स्किन जो है रिलैक्स करेगी। और इसी बीच आप रोज़ वाटर को आँखों पे लगा दीजिए और उस क्लाइंट को रेस्ट करने दीजिए थोड़ी देर। क्लाइंट जब रेस्ट करेगा तो वो रिलैक्स फील करेगा
उसके इस इन बिटवीन आपका पैक सूख जाएगा और पैक को फिर आपने 10 से 15 मिनट के बाद निकाल देना है। पैक से क्या होता है, आपके स्किन के जो पोर्स ओपन हो गए थे पैक उनको बंद कर देता है, यानी कि श्रिंक कर देता है और आपकी स्किन को टाइट भी बनाता है। तो पैक लगाने के टाइम पर बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है और इस तरह से पैक हटाने के बाद आपको कोई भी टोनर स्प्रे करना है। रोज़ वाटर एक बेस्ट टोनर होता है, तो यहाँ पर सहनाज का रोज़ वाटर ही मैंने इनके फेस पर स्प्रे किया है। और अब बारी आती है मॉइस्चराइज़र की। अब यहाँ पे लगा रही हूँ मैं लैक्मे का मॉइस्चराइज़र। अगर आप दिन में फेशियल करते हैं तो आप ये लोटस का सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं, कोई भी सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं। लास्ट में क्लाइंट को आप ये भी हिदायत दे सकती हैं कि जिस दिन क्लाइंट फेशियल कराए उस दिन डायरेक्ट धूप में ना निकले और इसके साथ साथ 24 घंटे तक अपने मुंह पे सोप या फिर फेस वॉश का यूज़ नहीं करें। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।